आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शनि का नाम सुनते ही मन में डर की भावना आ जाती है। शनि न्याय के देवता हैं और कर्मों के आधार पर फल देते हैं। हर जातक चाहता है कि शनिदेव उस पर प्रसन्न रहे, लेकिन कई बार व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष होने से या अन्य कारणों से शनि की बुरी नज़र झेलनी पड़ती है। तो शास्त्र में ऐसी स्थिति के लिए कुछ लक्षण और उपाय बताए गए हैं, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। कभी हम लोग जान नहीं पाते हैं कि शनिदेव हम पे नाराज हैं, तो ज्योतिष में कुछ ऐसे लक्षण बताए गए हैं जिनके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि शनिदेव हमसे नाराज हैं। जैसे कि शनि दोष होने से व्यक्ति के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। कमजोर सूर्य होने पर भी व्यक्ति गंजेपन का शिकार होता है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ की मदद से खान पान बेहतर करने, तनाव न लेने के अलावा शनि दोष दूर करने के उपाय करें। और शनि भारी हो तो व्यक्ति के माथे पर तेज खत्म होता है या ललाट पर कालापन नज़र आने लगता है। यदि ऐसा हो तो शनि को प्रसन्न करने के उपाय करें। ऐसे जातक मानहानि भी झेलते हैं। खराब शनि नौकरी और व्यापार में समस्या देता है, उसे मेहनत का फल नहीं मिलता है। बार बार रोजगार में बाधा आती है। इस तरह कैरियर में समस्या शनि दोष का संकेत होता है। शनि भारी होने पर व्यक्ति तामसिक भोजन करने लगता है। नशे में उसकी रुचि बढ़ती है, जबकि उसे इन चीज़ों से सख्ती से दूर रहना चाहिए। शनि दोष होने पर व्यक्ति धोखेबाज हो जाता है। वो हर बात में झूठ बोलता है, अनैतिक काम करने लगता है। उसके जीवन में गरीबी छा जाती है। ये शनि दोष होने के मुख्य लक्षण थे। आप जान लेते हैं यदि शनि दोष है तो उसे किस प्रकार से दूर करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बेहतर होगा कि शाम को यह उपाय करें। और काली तिल, उड़द, काले कंबल, काले कपड़ों का दान करें। गरीब असहाय लोगों की मदद करें। मेहनतकश मजदूरों, सफाई कर्मियों से सम्मान से पेश आएं। शनि को सरसों का तेल अर्पित करें। पूरे भक्ति भाव से शनि चालीसा का पाठ करें और कष्टों से राहत देने की प्रार्थना करें। तो उम्मीद है इस जानकारी से आप लाभ अवश्य उठाएंगे। तो अब आपसे यहाँ से विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।